Okay, so welcome to Emacs coding classes, and this is VK Sinha. Today I am going to represent all the format. How can we apply the format in the cells? So we are going to use this format option. Okay, so here is the format options. What we will do, for example, जैसे मान लो कि मैं इस रो में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता हूँ. दैट्स हाइट विल बी द इंक्रीज. तो अगर मैं इसकी हाइट को इंक्रीज करना चाहता हूँ तो ए वन वे है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे रो में हो जाएगी. ठीक है, क्लियर है? वी हैव टू दिस. तो हम एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं इसकी हाइट को इंक्रीज. तो देखो ऐसे किया तो ये रो की हाइट हमारी इंक्रीज कर गई. ठीक है, वी हैव टू दिस वन. और इससे हम ये हम या तो यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, राइट, यू कैन सी दिस सिंबल. और यहाँ से अब आप यूज कर सकते हो. तो आप कौन से रो को करना चाहते हो, तो फर्स्ट रो पे हूँ, इस फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और रो हाइट यहाँ से डिसाइड करें कितनी हाइट को आपको बढ़ानी है रो की हाइट. तो मैं बोला चलो भाई 20 पिक्सल में लेगा हमेशा. ठीक है, तो ओके कर देते हैं. तो देखो ये पहली वाली जो रो है इसकी हाइट जो है आपकी इंक्रीज कर गई है. ठीक है, तो यदि आपको रो की हाइट इंक्रीज करनी होगी, ठीक है, तो आप इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो या तो आप ऐसे ड्रैग ड्रॉप करो. तो सबसे जो बेस्ट तरीका वो यही है, राइट, वी हैव टू द ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक दिस वे ग्रेडिएंट पॉइंट. और अगर ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से यूज करें, तो आप अपने अनुसार यहाँ से सेट कर सकते हो रो की हाइट. ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि दैट्स हाउ वी कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ द रो. नाउ सेकेंड ऑप्शन आई एम गोइंग टू यूज इन द फॉर्मेट ऑप्शन, ऑटो फिट रो हाइट. सो ऑटो फिट रो हाइट मतलब कि जो आपने हाइट जो इंक्रीज और डिक्रीज किया, ठीक है, साइज का, वो आप ऑटोमेटिक चाहते हैं वो हाइट जो है फिट हो जाए. जितने भी सीट में हमारे सीट में जो जितने भी रो है सबकी हाइट सेम होती है, राइट, तो आप ऑटोमेटिक चाहते हैं कि वो फिट हो जाए, तो आप इस ऑप्शन का यूज करोगे. तो थोड़ा सा मैं इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ तक. सो हमने साइज को इंक्रीज कर लिया. अब मैं ऑटोमेटिक फिट चाहता हूँ जैसे मतलब पहले की तरह था जो एक्सेल शीट में थी. तो देखो जैसे थी वैसे आ जाएगी. तो ऑटो रो हाइट पर हम ऑटो फिट रो हाइट पर हम क्लिक करेंगे. ठीक है, इस ऑप्शन का यूज करेंगे. गेटिंग पॉइंट. तो ये तो हो गई हमारी रो की हाइट को इंक्रीज करने के लिए. यदि हमें कॉलम की हाइट कॉलम की इंक्रीज करनी है विद को, तो यहाँ से हम कैचअप करें. मान लो जी वाले कॉलम्स को हमें करना है. तो देखो हमेशा ध्यान रखना हाइट और विद कंप्यूटर साइंस में जो कुछ भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो इन सब का जो हाइट और विद और लेंथ होता है वो पिक्सल में डिफाइन होता है. ठीक है, सो पिक्सल कैन यू टेल मी, आई एम गोइंग टू टेल यू द 36. अगर हम बोले कि अगर 36 सेंटीमीटर्स होती है, सो 36 पिक्सल को हम बोलेंगे इज द 1 सेंटीमीटर. ओके, तो 36 पिक्सल में हमारा 1 सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान रखेंगे. तो जो भी डेटा हम यहाँ पर देख रहे हैं वो पिक्सल में डिफाइन होती है. एंड पिक्सल आई विल टेल यू इन द कंप्यूटर साइंस दैट इज द डेप्थ ऑफ द पार्ट दैट इज द ग्राफिक एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस. सो इन द कंप्यूटर साइंस 36 पिक्सल इज गोइंग टू द योर 1 सेंटीमीटर इज देयर, राइट. तो हम ध्यान रखेंगे कि 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है 36 पिक्सल. ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू अरेंज टू दिस 36 पिक्सल ऑन टू दैट मोमेंट. तो हमारा जो हाइट और लेंथ है वो पिक्सल के अनुसार हमारा डिफाइन होता है. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू डू दिस वन. सो जो भी हमारी हाइट और लेंथ और विड्थ है वो पिक्सल के अनुसार डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पर हम कॉलम्स की लेंथ मतलब कॉलम की जो विड्थ है उसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ. मतलब हम बोले तो इसकी लेंथ को इंक्रीज. तो यहाँ से कॉलम्स को पिक करो. देखो यहाँ पर विड्थ पर क्या बोल रहा है, पिक्सल में आपसे बात करें. यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर में यहाँ पर आपको पिक्सल राइट कर रहा है. यहाँ पर मैं इसको कैच ड्रैग किया और ऐसे ड्रॉप करूँगा तो एज माई डिजायर च्वाइस मैं कॉलम्स के विड्थ को इंक्रीज कर सकता हूँ. यू कैन सी डैट एंड वी कैन ऑल्सो द डिक्रीज ऑफ द साइज. क्लियर है, तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है. तो फिर से मैं क्या करूँगा कि इस कॉलम्स को ऑटो कॉलम ऑटो फिट करूँगा. ऑटो फिट मतलब ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा जो एक्सेल की नॉर्मल लेंथ होती है. कॉलम्स की जो नॉर्मल लेंथ और विड्थ होगी, राइट, रोज की जो होती है वो ऑटोमेटिक फिट होगा. तो इसको यूज करेंगे. तो देखो ऑटोमेटिक जब हम यूज करेंगे, आई एम नॉट सेलेक्टिंग टू दिस. ओके, सो वी हैव टू दिस वन एंड ऑटो कॉलम विड्थ. व्हाई इज नॉट कमिंग, जस्ट वेट वन मिनट, इट्स अ प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन दिस. ओके, नाउ इज नॉट वर्किंग प्रॉपर वे. जस्ट आई एम गोइंग टू कनेक्ट टू दिस वन एंड हियर आई कैन पुट ऑफ दिस सेक्शन, राइट. अपने कॉलम्स के विद को हम इस तरीके से विद और इंक्रीज को डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है,
सो अभी हमने बात किया कि हम रो की हाइट को कैसे इंक्रीज करेंगे, कॉलम्स की विड्थ को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू कम टू दिस डिफॉल्ट विड्थ। सो डिफॉल्ट विड्थ में क्या है कि स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ, मतलब जो कॉलम की जो विड्थ होती है वो 8.11 पिक्सल होती है, मतलब एक्सेल शीट में जो कॉलम की जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना वो होती है 8.11, ये पिक्सल में होती है। मैंने अभी आपको बताया कि 36 पिक्सल में कितना सेंटीमीटर होता है, बताइए। 1 सेंटीमीटर, राइट। सो यहाँ पर हमारे अगर 8.11 पिक्सल है तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ओके, सो देखो अब मैं इस कॉलम, सॉरी 8 सेंटीमीटर कुछ मतलब। सो नाउ वी हैव टू गो टू दिस कॉलम विद, अब मैंने इसको ओके किया, देखो 16 वी हैव टू गिव दिस वन, तो देखो कॉलम्स की जो विद है ये इंक्रीज कर दिया सारे ने, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखनी है, ग्रेट पॉइंट। अगर मैं फिर से इसको ऑटोमेटिक फिट करना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिक, ऑटो इज नॉट कमिंग इज द राइट वे, सॉरी फॉर दिस। सो मैं यहाँ पर फिर से अगेन जो बाई डिफॉल्ट सेटिंग थी उसको मैं कर देता हूँ 8.11 कर देता हूँ, ओके, सेम थिंग्स। सो यू कैन सी ऑटोमेटिक योर कॉलम विद इज गोइंग ऑन हियर, राइट। सो दैट इज द वी कैन द डिफॉल्ट सेटिंग। सो डिफॉल्ट आप यूज कर सकते हैं कॉलम विद के लिए, तो हम अपने रो के हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक फिट कर सकते हैं जो एक्सेल की बाई डिफॉल्ट सेटिंग होती है, उसी तरीके से कॉलम्स की विद को, तो हम ये कॉलम्स की विद बोलते हैं, ठीक है, इसको हम सेट कर सकते हैं, एडी एम पॉइंट। सो नाउ इन दैट मोमेंट आई एम गोइंग टू टॉकिंग यू जस्ट अनदर थिंग्स इज द हाइड एंड अनहाइड मेथड। सो ऑन दैट आई एम गोइंग टू जस्ट स्टॉप टू दिस प्रोसेस हियर। सो नाउ we have to come to this hide and hide. So what do I want? Suppose you are working on the 6th row और आप चाहते हो कि इस रोज को मैं हाइड कर दूँ, 6th नंबर रोज को, ठीक है। आर यू गेटिंग पॉइंट, मतलब मेरा जो डेटा है इसमें थोड़ा सा पर्सनल डेटा है, मैं इसको हाइड रखना चाहता हूँ कि डेटा कोई भी आकर मॉडिफाई ना करे। सपोज यू आर वर्किंग इन द बिगेस्ट प्रोजेक्ट एंड यू आर ऑन द, दिस इज द इम्पॉर्टेंट डेटा ऑन द 6th रो, राइट। तो यहाँ पर अपने 6th रो की डेटा को आप हाइड करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे? वी हैव टू द वेट टू दिस प्रोसेस। सो हाइट को हम कैसे, यहाँ पर देखो रो को कैसे हम हाइड करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो हम जाएंगे हाइड एंड अनहाइड में, ठीक है, इस हाइड रोज पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। सो हाइड रोज पर जैसे ही क्लिक है तो 6th नंबर का जो रो है देखो यहाँ से आउट हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। तो हमारी जो पर्सनल जो डेटाज है उसको हम हाइड कर सकते हैं, दूसरा कोई उसको आकर मॉडिफाई ना करे, क्लियर है। उसी तरीके से हम उस जो भी हमने अभी हाइड किया था उसको मैं फिर से वापस लाना चाहता हूँ, तो आप जाएंगे अनहाइड रोज पर, ठीक है, क्लियर है। यू कैन सी दिस अनहाइड रोज, सो यू कैन गो टू द अनहाइड। तो जिस रो को हाइड किया था उसको अनहाइड भी कर सकते हैं, ओके। सो यू हैव टू द राइट टू दिस सेक्शन एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लासेस। सो जस्ट वेट, वी आर कमिंग सून।